दोस्तों जब किसी ने अपने जीवन साथी से डिवोर्स या तलाक लेने का मन बना लिया हो तो फिर डिवोर्स लेने के लिए उसे कोर्ट में अपने जीवन साथी के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन या फिर डिवोर्स का केस डालना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिवोर्स केस का लीगल प्रोसेस पता ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानियों को मिटाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको डिवोर्स केस का लीगल प्रोसेस बताऊंगा, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस वीडियो में मैं आपको डिवोर्स केस से जुड़ी शुरू से लेकर अंत तक की सारी कानूनी कार्रवाई सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डिवोर्स केस से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज की यह वीडियो हमारी तलाक लेने का प्रोसेस वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, फिर ही आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट। मेरा नाम है भारत सोनी। लेट्स ग्रो विद लॉ। तो दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन साथी से तलाक लेना चाहते हो तो आपको अपने जीवन साथी के खिलाफ डिवोर्स का केस या डिवोर्स पिटीशन लगानी पड़ती है, जो कि फैमिली कोर्ट में डाली जाती है। और फैमिली कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया एडिशनल प्रिंसिपल जज या फिर प्रिंसिपल जज के द्वारा हेड की जाती है। ये एडिशनल प्रिंसिपल जज या फिर प्रिंसिपल जज दरअसल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं, लेकिन जब वो फैमिली कोर्ट में फंक्शन करते हैं तब उन्हें एडिशनल प्रिंसिपल जज या प्रिंसिपल जज कहा जाता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत एस्टेब्लिश की गई थी। फैमिली कोर्ट्स के जजेस सीनियर जजेस होते हैं, जो कि हायर जुडिशरी में आते हैं। मतलब कि अगर आपको फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील करनी हो तो वह अपील सिर्फ आप अपने स्टेट के हाईकोर्ट में ही डाल सकते हैं। तो चलिए, अब यह बेसिक जानकारी जानने के बाद शुरू करते हैं डिवोर्स केस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डिवोर्स केस में सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको अपना केस लड़ने के लिए सबसे पहले एक काउंसल या एडवोकेट को एंगेज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर है कि जब आप अपने वकील से मिलेंगे तो आपके वकील साहब आपके केस की जुरिस्डिक्शन देखेंगे। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आपका केस किस फैमिली कोर्ट में डल सकता है। आपका डिवोर्स का केस उस फैमिली कोर्ट में डलेगा जिस फैमिली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या क्षेत्र अधिकार में आपकी शादी हुई हो, या हस्बैंड और वाइफ लास्ट टाइम साथ रहे हो, या अगर पेटिशनर वाइफ है तो वाइफ जहां रहती हो उस जगह के फैमिली कोर्ट में। दोस्तों, डिवोर्स केस में जो केस डाल रहा होता है या जो डिवोर्स मांग रहा होता है वो तो कहलाता है पेटिशनर, और जिसके खिलाफ केस डाला गया हो यानी आपका जीवन साथी वह कहलाएगा रेस्पोंडेंट। आपके केस का जुरिस्डिक्शन तय हो जाने के बाद आपके वकील साहब ड्राफ्टिंग करेंगे आपकी डिवोर्स पिटीशन तैयार करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है आपका एडवोकेट एंगेज करके आपका केस लड़ने के लिए, जिसमें लिखा होता है कि मैं डिवोर्स का केस डाल रहा हूं या डाल रही हूं और मुझे अपना एडवोकेट या काउंसल एंगेज करने की परमिशन दी जाए। यह एप्लीकेशन आपके वकील साहब आपकी डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में डालते वक्त उसके साथ ही लगाएंगे, जिसकी परमिशन नॉर्मली मिल ही जाती है। ऐसी एप्लीकेशन सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस में ही लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कोर्ट में आपकी डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है और इस पिटीशन के रिगार्डिंग कोर्ट अपनी परमिशन देकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी और केस की अपोजिट पार्टी यानी रेस्पोंडेंट को नोटिस भेजेगी। इस पिटीशन के साथ ही आपके वकील का वकालतनामा लगेगा। वकालतनामा क्या होता है यह मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है कि अदर पार्टी टू द केस यानी रेस्पोंडेंट को समन होने के बाद आपको केस में नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर पेटिशनर एक वाइफ है या वाइफ ने डिवोर्स का केस डाला हो और उसका हस्बैंड समन मिलने के बाद जब कोर्ट में पेश होता है
तो कोर्ट सबसे पहली डेट रिकॉन्सिलेशन या राजीनामे के लिए लगाती है, बिकॉज कोर्ट हमेशा लोगों का घर बसाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उनका घर बसना पॉसिबल ना हो पाता हो तो ही कोर्ट अपने केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। और अगर डिवोर्स केस हस्बैंड ने डाला हो और उसकी वाइफ यानी रेस्पोंडेंट को किसी और जगह यानी किसी और गांव या शहर से कोर्ट में आना हो, तो वाइफ का आने जाने का खर्चा कोर्ट हस्बैंड को कोर्ट में जमा कराने का ऑर्डर देगी। ये पैसा जमा कराने के बाद ही आपके डिवोर्स केस की रेस्पोंडेंट यानी आपकी वाइफ कोर्ट में पेश होगी। नेक्स्ट है कि अगर पेटिशनर एक वाइफ है तो वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक एप्लीकेशन भी अपनी पेटिशन के साथ ही कोर्ट में लगा देगी। सेक्शन 24 है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही अपोजिट पार्टी यानी हस्बैंड नेक्स्ट डेट पर कोर्ट में पेश होता है तो वाइफ यानी पेटिशनर और हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट के एडवोकेट्स के द्वारा इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अपनी अपनी आर्गुमेंट्स कोर्ट में दी जाएगी। और अगर वाइफ यानी पेटिशनर की यह एप्लीकेशन कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो इस केस के दौरान वाइफ का पूरा मंथली खर्चा बंद जाएगा जो कि हस्बैंड को देना पड़ेगा। यह खर्चा उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से वाइफ यानी पेटिशनर कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाती है। इस मंथली खर्चे में वाइफ के एडवोकेट की फीस भी हस्बैंड को देनी पड़ेगी। यह खर्चा पत्नी को सिर्फ इस केस की पेंडेंसी के दौरान ही मिलेगा। और अगर पत्नी इस केस के डिसाइड होने के बाद भी पति से खर्चा बंधवाना चाहती है तो फिर वाइफ पति के खिलाफ अलग से केसेस डाल सकती है। ये केसेस वाइफ सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973 हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सेट्रा एक्ट्स के अंदर डाल सकती है। यहाँ पर एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि कोर्ट हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट को कोर्ट में कब बुलाएगी, तो इसका आंसर है कि यह डिपेंड करता है खुद कोर्ट पर। कोर्ट अपने वर्कलोड और पेंडेंसी ऑफ केसेस को मद्देनजर रखते हुए एक महीना दो महीने या तीन महीने या उससे ज्यादा की डेट भी लगा सकती है। और अब बात करें कि कोर्ट में हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट के पेश होने के बाद में अगर वो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वाइफ का खर्चा देता है तो वह वाइफ की डिवोर्स पिटीशन के अगेंस्ट में कोर्ट में अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। और अगर वो खर्चा नहीं देता है तो कोर्ट उसका डिफेंस भी स्ट्रक ऑफ कर सकती है। और अगर कोर्ट हस्बैंड का डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर देती है तो वाइफ अपने एविडेंस करवा के उनपे आर्ग्यूमेंट्स करके सारा केस अपने फेवर में कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो हस्बैंड का डिफेंस स्ट्रक ऑफ करने का मतलब यह है कि हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट को कोर्ट में अपना रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही खर्चा ना देने पर हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट के वकील को पेटिशनर के एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी, जो कि रेस्पोंडेंट के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। नॉर्मली अगर वाइफ कोई नौकरी नहीं करती है या कोई और काम नहीं करती है और वह अपने माँ बाप के साथ ही रहती है तो कोर्ट वाइफ का खर्चा बांधती ही बांधती है, जो कि हस्बैंड को देना पड़ता है। और अगर दोनों का कोई बच्चा भी हो और वह बच्चा पेटिशनर यानी वाइफ के पास रहता हो तो कोर्ट उसका भी खर्चा रेस्पोंडेंट यानी हस्बैंड से दिलवाएगी। दोस्तों, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्लीडिंग्स में कवर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाइफ यानी पेटिशनर के कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन डालने के बाद हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट को नोटिस मिलेगा और नोटिस मिलने के बाद नेक्स्ट डेट पर रेस्पोंडेंट यानी हस्बैंड कोर्ट में हाजिर होगा। इसी दौरान हस्बैंड यानी रेस्पोंडेंट अपना वकील एंगेज करेगा और कोर्ट के द्वारा दी गई तारीख पर हाजिर होकर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट या अपना रिप्लाई कोर्ट में पेश करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट में हस्बैंड
यानी रिस्पोंडेंट अपनी वाइफ यानी पेटिशनर की डिवोर्स पेटिशन में दी गई बातों को अपोज करेगा और कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड रेस्पोंडेंट को समन्स रिसीव करने के 90 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। कोर्ट में हस्बैंड द्वारा अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किए जाने के बाद पेटिशनर यानी वाइफ कोर्ट में अपना रिजॉइंडर या रेप्लिकेशन लगाती है, जिसमें अगर पेटिशनर को रेस्पोंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के जवाब में या उसके अगेंस्ट में कुछ कहना है तो वह लिखा जाता है। इसी दौरान अगर पेटिशनर एक हस्बैंड है तो वाइफ के द्वारा बहुत सारी मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी कोर्ट में लगाई जाती है, जैसे अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हस्बैंड यानी पेटिशनर कोर्ट में इन एप्लीकेशंस के खिलाफ अपना रिटर्न रिप्लाई पेश करेगा और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला देगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिवोर्स केस से जुड़ी दोनों पार्टीज को कोर्ट में अपना एफिडेविट देना होता है, जिसमें उनकी एसेट्स जैसे कि मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल और इंटेंजिबल, उनकी लाइबिलिटीज, उनकी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का पूरा ब्योरा दिया गया हो और इससे जुड़ी ऑल रेलिवेंट डिटेल्स दी गई हो, जिससे कोर्ट दोनों पार्टीज का फाइनेंशियल स्टेटस एसर्टेन कर सके। दोनों हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट के सामने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसके बाद डिवोर्स केस में नेक्स्ट स्टेज है एविडेंस की। इस स्टेज में एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो कि ओथ कमिश्नर द्वारा स्टैम्प्ड एंड साइंड होता है, दिया जाता है। पेटिशनर के विटनेसेस उसके सपोर्ट में अपना अलग अलग एफिडेविट कोर्ट में पेश करेंगे। अगर पेटिशनर एक हस्बैंड है तो विटनेस उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका भाई, उसकी बहन या और कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। इस स्टेज पर दोनों पार्टीज के एडवोकेट अपने अपने एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, ताकि नेक्स्ट डेट पर वो दूसरी पार्टी के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है क्रॉस एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट डेट पर रेस्पोंडेंट का एडवोकेट पेटिशनर के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और विटनेसेस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स पर उनसे सवाल पूछेगा, और इसी तरह रेस्पोंडेंट अपने विटनेस पेश करेगा और एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट देगा, जिसको पेटिशनर का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी के वकील साहब रेस्पोंडेंट या पेटिशनर या उनके विटनेसेस से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके साथ क्रुएल्टी हुई तो क्या आपको पीटा गया, और अगर पीटा गया तो क्या कोई सबूत या निशान या हॉस्पिटल की कोई रिपोर्ट है, क्या पुलिस को फोन किया, क्या पड़ोसियों को बुलाया, क्या शोर मचा, क्या आपने अपने घर वालों को बताया, अगर नहीं तो क्यों नहीं बताया, एक्सेट्रा। ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हर केस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं और यह मैटर नहीं करता है कि आपके या अपोजिट पार्टी के विटनेस कितने हैं। आपके या अपोजिट पार्टी के विटनेस कितने भी हों, अपोजिट पार्टी के वकील साहब सबको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ये एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन डिवोर्स केस की दोनों पार्टीज के लिए सेम ही होता है, या ये दोनों चीजें दोनों पार्टी ही करती है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक थर्ड पर्सन भी होता है, जो कि अपोजिट पार्टी के वकील साहब द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस और आपके विटनेस द्वारा दिए गए आंसर्स को नोट कर रहा होता है बाद में जज साहब को देने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर स्टेटमेंट्स नोट करने की ड्यूटी थर्ड पर्सन की इसलिए होती है, जिससे कि डिवोर्स केस के दोनों पार्टीज के हित सुरक्षित रहें और अनबायस तरीके से जज साहब तक सारी बात पहुंचे। और हाँ, डिवोर्स केस में आपके क्लेम के सपोर्ट में बचे हुए बाकी सारे प्रूफ भी आपको एट द टाइम ऑफ एविडेंस देने होते हैं, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट,
कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या एनी अदर सपोर्टिंग एलिमेंट जो आपके क्लेम को सपोर्ट करता हो। इसके बाद इन एविडेंसेस को एग्जिबिट किया जाएगा और एडवोकेट अपनी अपनी पार्टी के एविडेंसेस को टेंडर करेंगे, जिनको टेंडरिंग ऑफ एविडेंसेस कहा जाता है। इसके बाद आपके डिवोर्स केस में नेक्स्ट स्टेज है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की। फाइनल आर्ग्यूमेंट में दोनों पार्टीज के वकील अपने क्लाइंट के सपोर्ट में कोर्ट के समक्ष अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि कैसे दूसरी पार्टी ने कोई बात गलत की है या क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ एक्सेप्ट किया है, कैसे कोई एविडेंस दूसरी पार्टी के सख्त खिलाफ है, कैसे दूसरी पार्टी गलत क्लेम कर रही है एक्सेट्रा। इसके बाद बारी आती है फाइनल जजमेंट या डिक्री ऑफ द कोर्ट। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट और इस डिवोर्स केस की अदर प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर कोर्ट यह डिसाइड करती है कि पेटिशनर को डिवोर्स ग्रांट किया जाए या नहीं और अपना फैसला या ऑर्डर रिजर्व कर लेती है। इसके बाद कोर्ट इस डिवोर्स केस में एक लास्ट डेट लगाती है अपना ऑर्डर या फैसला सुनाने के लिए, और उस फैसले में या तो पेटिशनर के हक में डिक्री ऑफ डिवोर्स दे दिया जाता है या डिवोर्स अलाउ कर दिया जाता है, और अगर फैसला रेस्पोंडेंट के हक में आता है तो पेटिशनर की डिवोर्स की पेटिशन डिसमिस कर दी जाती है और डिवोर्स नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपका डिवोर्स का केस कंटेस्टेड है, यानी एक पार्टी डिवोर्स चाहती है और दूसरी नहीं, तो आपका केस नॉर्मली 1 से 1.5 साल तक चल जाता है, और अगर यह केस डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट या आपसी सहमति से तलाक का हो तो फिर इस केस में 6 महीने की तारीख लगती है, और अगर पति पत्नी को जल्दी हो तो वो दोनों मिलकर इस 6 महीने के अंदर अंदर ही कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर बचे हुए टाइम पीरियड को वेव ऑफ करा सकते हैं और जल्दी तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हो या अपना केस डिस्कस करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात करने का टाइम ले सकते हैं। और अगर आप डिवोर्स केस से जुड़ी और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी डिवोर्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।